मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है और वो ये सोच के वीडियो नहीं देखता कि ये तो हिंदी मीडियम की है, तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम को समझ लेता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कंसेप्ट मेन होता है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए। अगर इंग्लिश मीडियम के किसी बच्चे को बात हिंदी में समझ में आती है तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। साइंस आसान है, बहुत आसान है, अगर कंसेप्ट रूट से लेकर चले, जड़ों से अगर चीज़ें क्लियर हो तो साइंस बहुत आसान है। और नहीं है तो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा। आधी सी वीडियो अगर देखोगे तो कुछ भी बात क्लियर नहीं होगी, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल सारक एवं लवण। मेरे पास एक बुक है, लखमीर सिंह और मनजीत कौर की बुक है ये। इसमें क्वेश्चंस वैसे तो दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा हिंदी में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा आप लोगों को पता ही है, NaHCO3। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर जब बनेगा तो इसमें हम कोई एडिबल एसिड डाल देंगे। एडिबल मतलब खाने योग्य कोई अम्ल इसमें डालेंगे, जैसे टार्ट्रिक अम्ल, जितने भी कार्बनिक अम्ल है खाने योग्य है, जैसे एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, मतलब जो खाद्य चीजों में मौजूद होते हैं वो अम्ल, खाद्य अम्ल है। हम जो पढ़ चुके स्टार्टिंग की पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये तो हो गया कौन सा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर अगर बनाना है तो इसमें कोई खाद्य अम्ल डाल देंगे, जैसे टार्ट्रिक अम्ल वो डाल देंगे, तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया ये। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडे का सूत्र। आसान क्वेश्चन है, पहले आसान है फिर थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा एस एंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो यही है, क्यों, सोडियम कार्बोनेट और डेका, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब इसमें जल के 10 अणु है। उसके बाद है सोडा एस। सोडा एस मैंने बताया था, जब हम इसका निर्माण करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, इसका, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको NaHCO3, ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है ये Na2CO3। इसमें जल के 10 अणु नहीं है। जब इसमें जल के 10 अणु नहीं होते तो इसका नाम होता है सोडा एस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि दी गई जो बात है वो सही है या गलत है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ऑलवेज वेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन इन देम। देखो, ये बात मैं बता चुका हूं, उसने कहा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमेशा ही गीले होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्रिस्टलीकरण जल होता है। मैं बता चुका हूं कि क्रिस्टलीकरण जल क्रिस्टल को गीला नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो उसकी अंदर की संरचना में मौजूद होता है। जैसे हम पढ़ चुके कॉपर सल्फेट और 5H2O, ये क्रिस्टलीकरण जल होता है। ये कहता है कि इसके कारण कॉपर सल्फेट गीला लगता है, नहीं, क्रिस्टलीकरण जल के कारण कभी भी किसी लवण के अंदर कोई गीलापन नहीं आता, तो ये बात गलत है। Which of the following salt has a blue color and why? किसका कलर ब्लू होता है, बार बार बता चुका हूँ वीडियोज में, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट के अंदर लवण, बहुत सारे लवण ऐसे हैं जिनमें जो रंग आता है वो किसके कारण आता है, वो जल के अणुओं के कारण आता है।
तो इसमें दो उदाहरण दिए हैं, एक कॉपर सल्फेट 5H2O और एक खाली ये दे दिया, एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो इसका रंग होएगा ब्लू। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिस्टलीकरण जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सारी प्रवृत्ति का होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये कहता है कि इसमें लिटमस कलर ऑफ लिटमस मतलब लिटमस का कलर कैसा आएगा। देखो अगर हम इसमें डाल, ये सारी प्रवृत्ति का है, सारी सारी प्रवृत्ति के सार क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को, सॉरी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो लाल लिटमस तो इसमें हो जाएगा नीला, और अगर इसमें डालते हैं हम नीला लिटमस, वो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देगा लेकिन नीले लिटमस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। स्टेट द कॉमन एंड केमिकल नेम्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर। तो कहता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, और जब इसमें पानी मिलता है तो मैंने बताया था, तो ये एक सॉलिड मास में, हार्ड मास में बदल जाता है, सख्त हो जाती है ये इसमें जल मिलने के बाद। तो 1 से 2 H2O, तो क्या बन जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है भाई, ये एक हार्ड मास बन जाएगा, सख्त पदार्थ बन जाएगा, जिप्सम, जिप्सम जो सख्त है, हार्ड होता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, with which substance should chlorine be treated to get bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए हमें क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी। तो किसके साथ करवानी पड़ती है, हमें चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये लेना है हमें। तो हम जानते हैं क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, तो किसके साथ, स्लैग लाइन के साथ, CaOH2, ये होता है स्लैग लाइन, बुझा हुआ चूना, इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया होगी तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा और जल का निर्माण हो जाएगा। तो क्लोरीन की अभिक्रिया किससे करवानी है, बुझे हुए चूने के साथ। व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका कमर्शियल नाम क्या है, इसका कमर्शियल नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्मड व्हेन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन आर मेड टू कंबाइन। तो कहता है जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, ब्राइन क्या, सांद्र सोडियम क्लोराइड के विलयन को बोलते हैं ब्राइन, सांद्र सोडियम क्लोराइड NaCl का जल में विलयन कहलाता है ब्राइन, मतलब ये एक्वस, तो हम इसको ब्राइन बोलते हैं। और हमें पता है जब इसमें से हमने विद्युत धारा को गुजारा था तो क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तीन चीजें बनती है। तो ये कहता है अब ये दो चीज निकली है, जो जब हम इनको मिला देंगे Cl2 प्लस H2 तो क्या बनेगा, तो बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रश्न पूछा है कि सोडियम क्लोराइड के अपघटन से हमें प्राप्त होता है क्लोरीन और हाइड्रोजन, अब उन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बता चुका हूँ कोई भी प्रश्न में ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने वीडियो में नहीं करवाई होगी, बस वीडियो को पूरा देखना है। अगर समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना है, आधा वीडियो देखोगे कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। नेम ए कैल्शियम कंपाउंड व्हिच हार्डन्स ऑन वेटिंग विद वाटर। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो पानी मिलाने पर सख्त हो जाएगा, तो कौन सा होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2 H2O, ये ऐसा पदार्थ है इसको जिसमें पानी मिला देंगे तो सख्त हो जाएगा। नेम ए सोडियम कंपाउंड व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी ड्राई सोप पाउडर। सोडियम के ऐसे किसी यौगिक का नाम बताइए जो बहुत सारे साबुन में मिलाया जाता है या जिससे साबुन बनता है, तो कौन सा है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, या एक और होता है, ये तो साबुन ही हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का यौगिक है जो साबुन बनाने में काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नेम ए मेटल कार्बोनेट व्हिच इज सोल्युबल इन वाटर, कौन सा मेटल का कार्बोनेट है जो पानी में सोल्युबल है। देखो ये मेटल का कार्बोनेट है Na2CO3, तो ये पानी में सोल्युबल है, ये सोडियम धातु है, ये CO3 लग गया है तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया ना, तो ये पानी में सोल्युबल है मतलब जल में घुलनशील है। नेम एन एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में NaHCO3 इसमें कौन सा अम्ल है ये पूछा उसने। देखो ये लवण है और लवण का निर्माण अम्ल और सारक के मिलने से होता है, तो इसका निर्माण कौन कौन से लवण, कौन से अम्ल और कौन से सारक से हुआ होगा, तो इसमें NaOH ये तो है सारक और H2CO3 ये है इसमें अम्ल, इस अम्ल का नाम है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो जब ये तो सारक हो गया, ये अम्ल हो गया, तो बन जाएगा NaHCO3। इसने पूछा है कि इसमें कौन सा अम्ल है, तो ये अम्ल है, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद है बेकिंग पाउडर, हाँ ठीक है बेकिंग पाउडर हो गया। उसके बाद अभी इसमें नेम द मेटल हुज कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, कौन सी धातु का कार्बोनेट मेटल वॉशिंग सोडा कहलाता है, तो सोडियम धातु का कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कहलाता है, मतलब कपड़े धोने का सोडा कौन सी धातु का कार्बोनेट होता है, वो होता है सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम, इसका उत्तर हो गया सोडियम। ये मैं वीडियो, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसी में, इसकी पिक मैं डाल दूंगा वीडियो में। उसके बाद विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटीसिड इन मेडिसिन, कौन सा कंपाउंड एंटीसिड प्रति अम्ल के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 या फिर Na2CO3 कौन सा प्रयोग किया जाएगा, ये किया जाता है भाई बेकिंग सोडा, इसका मैंने बताया था ये मीठा सोडा भी होता है। उसके बाद है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, NaHCO3 का इसका साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा, और Na2CO3 इसका साधारण नाम क्या हो गया भाई, इसका साधारण नाम क्या है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा बोलते हैं इसको, कपड़े धोने का सोडा, ये इसका साधारण नाम पूछा उसने, ना कि रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये रासायनिक नाम हो जाएगा, और वैसे जनरल नाम जो है साधारण नाम वो क्या हो जाएगा, इसका मीठा सोडा सॉरी बेकिंग सोडा, और ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। उसके बाद है राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जो साधारण नमक है उसका सूत्र क्या है, NaCl, आसान क्वेश्चन है, और कॉस्टिक सोडा NaOH, NaOH कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द टू मेन वेज इन विच कॉमन साल्ट अकर्स इन नेचर, कौन से दो तरीके से हमें साधारण नमक प्रकृति में मिलता है, मैंने बताया था एक को मिलता है समुद्री जल में, समुद्री जल में जिसको वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है, और एक मिलता है पृथ्वी के अंदर रॉक साल्ट के रूप में, रॉक साल्ट के रूप में मिलता भी, ठीक है, चट्टानों के अंदर या पृथ्वी के नीचे दबा हुआ मिलता है जिसको खदानों से निकाला जाता है, वैसे ही जैसे कोयले को निकालते हैं। व्हाट आर द टू योगा नेम द मेजर साल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, समुद्र के पानी में कौन सा नमक सबसे अधिक मिलता है, तो NaCl ये मिलता भी, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है हाउ इज कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से कैसे प्राप्त करते हैं, अभी मैंने बताया वाष्पीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है, वही सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, सोडियम क्लोराइड की हमारी शरीर में जरूरत क्या है, देखो भाई सोडियम क्लोराइड NaCl इससे हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं कोशिका के अंदर पदार्थों को लेके जाना और बाहर छोड़ने के लिए कुछ पंप की जरूरत पड़ती है, उन पंप के निर्माण में इन आयनों की जरूरत होती है। वैसे दूसरे साधारण शब्दों में आसानी में कहूँ तो जो हमारा रक्त होता है, रक्त में रक्त दाब को बनाए रखने के लिए भी इन इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है भाई, उसके बाद है नेम थ्री केमिकल्स मेड फ्रॉम कॉमन साल्ट, साधारण नमक से कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, साधारण नमक से हम पढ़ चुके हैं NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
बेकिंग सोडा, और ये कास्टिक सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, ये धावन सोडा है। इन तीनों को हम प्राप्त करते हैं किससे? साधारण नमक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें, गिव एनी टू यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, साधारण नमक के दो प्रयोग बताइए। एक तो यही होगा कि इसका निर्माण बहुत सारे यौगिकों में किया जाता है, खाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेड बिस्किट बनाने में भी नमक का प्रयोग होता है, बहुत सारे हैं नमक के उपयोग, वो तो खुद भी लिख सकते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू द कॉमन साल्ट व्हिच इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है नमक, उसको क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। हाउ वाज दिस साल्ट फॉर्मड, वो कैसे बनता है? मैंने बताया था कि लाखों साल पहले जो पृथ्वी पे समुद्र रहे होंगे उनका वाष्पीकरण हो गया होगा, तो उनका पानी वाष्पित होके उड़ गया और नीचे क्या बच गया? नमक, साधारण नमक। अब समय के साथ साथ वो साधारण नमक पृथ्वी के नीचे जमा हो गया, मिट्टी ऊपर जमा हो गई तो वो नीचे दब गया, तो इस प्रकार उस रॉक साल्ट का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद नेम द साल्ट व्हिच इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्योरिंग मीट एंड फिश, कौन से नमक का प्रयोग हम अचार को सुरक्षित करने के लिए या फिर मीट को या मछली को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं भाई? वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। आपने देखा होगा अचार बनाते टाइम हम अचार को काट के सोडियम क्लोराइड के पानी में डालते हैं, पहले पूरा दिन उसमें ही पड़ा रहता है अचार, ताकि वो खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब ना करे। उसके बाद है कास्टिक सोडा को बनाने के लिए NaOH को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? तो यही चाहिए, सोडियम क्लोराइड। तो उत्तर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स अस थ्री प्रोडक्ट, नेम देम। कहता है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन हमें तीन चीजें देता है, उनका नाम क्या है? NaOH था, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीन देता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड वाटर वेयर इज, कहता है जब NaCl का विद्युत अपघटन होता है तो ये कहां बनता है? ये कहां बनता है? मैंने बताया था जो एनोड होता है, एनोड होता है प्लस वाला, उस पे बनती है क्लोरीन, और कैथोड होता है माइनस वाला, उस पे बनती है हाइड्रोजन, और विलयन में बन जाएगा NaOH, ये बनेगा विलयन के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स, चलो ये तो खुद करने हैं आप लोगों को। उसके बाद है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना, क्या NaCl, NaCl प्लस H2O, विद्युत अपघटन करवाएंगे इसका क्या प्राप्त होता है? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, संतुलित नहीं है, संतुलित करनी पड़ेगी। अब देखो संतुलित करने के लिए मैं पहले फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, दो क्लोरीन है तो इधर एक क्लोरीन है, तो इसको संतुलित करो, दो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2NaCl प्लस H2O, बाकी सब को ऐसे कैसे NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ दो सोडियम हो गए, यहाँ सोडियम एक है, इसको बैलेंस करो, 2NaCl प्लस H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, देखो बैलेंस, दो सोडियम हो गए, दो क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन एक है, इसमें ऑक्सीजन दो होगी भाई, तो यहाँ करेंगे 2 ऐसे, तो दो ऑक्सीजन हो गई, 2H2O, अब यहाँ दो गुणी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ हाइड्रोजन होगी 2 और 2 यही 4, ठीक है, संतुलित हो गई है, चेक कर लेना। उसके बाद है NaHCO3, इसको गर्म कर दिया, मैंने बताया था जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो किसमें टूटता है? ये Na2CO3 में CO2 गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है, ठीक है भाई, ये मैंने बताया था, इसको संतुलित करना है आप लोगों को। ये हो गया, यहाँ दो सोडियम है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, अब देखो इसको क्या संतुलित है, ये दो सोडियम, दो कार्बन है, देखो मल्टीप्लाई बना, 2 कार्बन है, कार्बन एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, 2 हो गए, ऑक्सीजन देखो 2, 3, 5, 6, यहाँ देखो 2 दिए 6, हाइड्रोजन देखो 2, तो संतुलित होगी, 1, 2 लगाते ही ये संतुलित हो गई है, ठीक है। उसके बाद NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या बता सकते हो ये किसको, इसके निर्माण की अभिक्रिया है? ये हमने पढ़ा था क्या,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड के विलयन में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना पड़ता है, तो इसके निर्माण की विधि है ये। तो ये तो बनेगा ही NaHCO3 और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, संतुलित करना है। तो देखो ये मैं बार बार करवा चुका हूँ, ठीक है, करवाने का कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग इसको संतुलित कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाली अभिक्रिया है, उसको संतुलित करना है, वो भी आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वॉशिंग सोडा स्टेट टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक यौगिक की पढ़ना क्या है, कि उसका साधारण सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है और उसके उपयोग क्या है, हम लोगों को यही चीजें पढ़नी है। तो वॉशिंग सोडा क्या है ये भी मैं बता चुका हूं, चलो ये आसान है, इनको छोड़ देते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन का आप लोगों को करवा रहा हूं जो थोड़े हायर लेवल के हैं, क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू कर रहा हूं मैं, बाकी आसान क्वेश्चन है, वीडियोस को देखोगे सब समझ में आ जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। पी एंड क्यू आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ दीज विल टर्न। कहता है पी और क्यू, पी है और क्यू है, पी क्या है ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है और क्यू क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का विलयन है। हम पढ़ चुके हैं NaOH क्या है, एक सारक है, सारक का ये तो सार है, स्ट्रॉन्ग सारक, ये तो बहुत ज्यादा सांद्र सार है ये सारक, और NaCl क्या है ये उदासीन होता है, क्यों, क्योंकि इसका निर्माण NaOH और HCl से होता है, इसका मतलब ये उदासीन है, ये तो लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और ये जो है ये सारक है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस के को ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू को रेड कोई भी नहीं करेगा, ब्लू को रेड, लेकिन जो रेड को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कौन करेगा, ये NaOH रेड को ब्लू कर देगा और NaCl इन दोनों में से कुछ नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल सॉल्ट ए इज ब्लू इन कलर, कोई धातु ए है, ए धातु, इस धातु का कोई साल्ट है, साल्ट कोई भी हो सकता है, क्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट और कार्बोनेट साल्ट, लेकिन है इस धातु का ए का, तो कहता है कि इसका कलर है ब्लू कलर, और मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक धातु ऐसी है जिसका साल्ट ब्लू कलर का होता है और वो होता है कॉपर सल्फेट। तो व्हेन साल्ट ए इज हीटेड स्ट्रॉन्गली और ए बर्नर देन ए सब्सटेंस बी इज एलिमिनेटेड एंड ए व्हाइट पाउडर सी इज फॉर्म। कहता है जब इस ए के साल्ट को गर्म करते हैं तो एक पदार्थ बी निकल जाता है बाहर और एक व्हाइट पाउडर सफेद रंग का पदार्थ बचता है सी, ठीक है। व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डी, जब हम कोई डी पदार्थ की कोई चीज इसमें मिलाते हैं सी में तो इट बिकम्स ब्लू अगेन, तो ये दोबारा से नीला हो जाएगा, ये भी मैं बता चुका हूं। कहता है इन सबको बताइए कौन सा है, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करते ही पानी निकल जाएगा, CuSO4 बच जाएगा, निकलेगा क्या 5H2O, जल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, ए क्या हो गया CuSO4 5H2O, सी क्या हो गया CuSO4, बी क्या हुआ 5H2O, मतलब जल हो गया, और CuSO4 में दोबारा पानी प्राप्त करने के लिए डी मिलाएंगे, डी क्या होगा, तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो डी क्या हो गया H2O, समझ गए। इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, ये वो पेपर प्रश्न है जो पेपर में आते हैं। When the concentrated aqueous solution of substance X is electrolyzed, कहता है कोई पदार्थ है X, ये इसका विलयन है, और जब हम इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaOH plus Cl2 plus H2। कहते हैं X का क्या नाम है, पता है हमें NaCl, ये तो NaCl हो गया, तो X क्या हो गया NaCl, NaCl के घोल में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, पढ़ चुके हैं। इस क्रिया का नाम क्या, स्पेशल नाम क्या है, मैंने बता रहा क्लोर सार प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्लोर सार अभिक्रिया,
इसका स्पेशल नाम है इस अभिक्रिया का फ्लोरसार प्रक्रिया, पेपर में आ चुकी है ये। उसके बाद है NaCl, CaOH, 2NH, कुछ यौगिक दिए गए हैं इसमें, कुछ यौगिक दिए हैं इसमें, और ये क्या कर रहा है, विच टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ यौगिक दिए गए हैं, इनमें से कौन से दो जुड़ेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, इनमें से देख लेना मिलेंगे, एक तो CaOH2 और साथ में क्लोरीन गैस जोड़ेंगे तो बनेगा CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। फिर कहता है विच फोर सब्सटेंस आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। देखो वाशिंग सोडा को बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा, और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, NaCl, उसमें गुजारनी पड़ेगी, इसका लेना पड़ेगा घोल, मतलब जल में घोलना पड़ेगा, तो H2O, NH3 अमोनिया गैस गुजारनी पड़ेगी, साथ में CO2 गैस गुजारनी पड़ेगी, तो बनेगा NaHCO3। तो इसको गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होएगा Na2CO3 जो कि वाशिंग सोडा है। तो इसके निर्माण में किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, NaCl, H2O, NH3CO2 और NaHCO3 की जरूरत हुई, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद है विच कंपाउंड रिप्रेजेंट क्लस्टर ऑफ पेरिस, क्लस्टर ऑफ पेरिस कौन सा है, इसे बताइए, आपको सूत्र से पता चल जाएगा CH4½H2O। विच कंपाउंड इज अ पार्ट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का पार्ट कौन सा है, बेकिंग पाउडर में दो चीजें होती है, बेकिंग पाउडर में एक होता है NaHCO3 ये होता है, और साथ में होता है क्या, कोई खाद्य अम्ल होता है इसमें, कोई खाद्य अम्ल, ठीक है भाई, तो खाद्य अम्ल इसमें नहीं दिया गया है, इसमें यही दिया है NaHCO3, तो ये NaHCO3 है। उसके बाद है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, मतलब प्रति अम्ल के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं प्रति अम्ल के रूप में हम प्रयोग करते हैं NaHCO3 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे तो दूसरे भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ये दिया गया है NaHCO3। उसके बाद है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ सॉल्ट व्हिच गिव एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग, देखो कहता है कोई ऐसे लवण का उदाहरण दो जो पीएच, जिसकी पीएच 7 से कम होती है और जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है, ऐसे कोई लवण का एग्जांपल देना भाई। देखो भाई कौन सा ऐसा लवण हो सकता है जिसकी पीएच 7 होगी, देखो NaCl एक ऐसा लवण है जिसकी पीएच होती है 7, और हम बात करें Na2CO3 की, ये ऐसा लवण है जिसकी पीएच होती है 7 से अधिक। क्यों 7 से अधिक होती है, क्योंकि जब इस लवण का निर्माण होता है तो इसमें जो सारक होता है वो प्रबल होता है और अम्ल जो होता है वो दुर्बल होता है, NaOH ये तो इसमें सारक मिलता है और H2CO3 ये होता है इसमें दुर्बल अम्ल, इसलिए जो लवण बनेगा Na2CO3 ये कैसा होगा, ये होगा सारीय प्रवृत्ति का, और सारीय प्रवृत्ति के जो लवण होते हैं उनकी पीएच होती है वो 7 से अधिक होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद है 7 से कम, 7 से कम मतलब जो जिनकी पीएच जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये ऐसा लवण है जिसकी पीएच 7 से कम होती है, क्यों, क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्यों, इससे बनता है ये बनता है HCl से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH, ये एक प्रबल अम्ल है और ये एक दुर्बल सारक है, इसलिए जो ये लवण बनेगा तो ये लवण बनेगा अम्लीय प्रवृत्ति का जिसकी पीएच होगी 7 से कम, ठीक है भाई। कहता है कोई यौगिक एक्स है जिसको जिप्सम से बनाया जाता है और इसके सख्त होने के प्रॉपर्टी है, मतलब ये सख्त हो सकता है पानी मिलाने पर, तो एक्स क्या है, तो एक्स क्या होगा भाई, प्लस्टर ऑफ पेरिस CH4½H2O बता चुका हूं, तो उसकी इक्वेशन लिख देंगे हम बनाने की इक्वेशन क्या, CaSO4 2H2O, इसको कंट्रोल्ड हीटिंग दी जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा, इससे ऊपर नहीं करना, CaSO4½H2O बन जाएगा और जल निकल जाएगा एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा निर्माण, ये भी लिखनी है इसमें। उसके बाद है कुछ इसमें लवण दिए गए हैं और इनमें से ये बताना है कि इन लवणों में से कौन सा तो हमें अम्लीय विलयन देगा और कौन सा क्षारीय विलयन देगा, हम पढ़ चुके हैं Na2CO3 क्षारीय विलयन देगा, NaCl उदासीन विलयन देगा, NH4Cl ये अम्लीय विलयन देगा, अभी बता चुका हूँ, CH3COONa ये क्षारीय विलयन देगा, अभी CH3COONa, क्यों, क्योंकि ये भी दुर्बल अम्ल और प्रबल सारक से बनता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये क्या देगा, ये देगा हमें उदासीन विलयन, ठीक है भाई।
NH4 2SO4 ये देगा हमें अम्लीय विलयन NH4 2SO4। ठीक है, यही बताना है इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई किसके, इस चैप्टर नंबर 2 के, तो ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी आसान है, वीडियोस को देखोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, मिलेगा नहीं आपको जिसको आप सॉल्व ना कर सको। बार सॉल्व कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, कुछ पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। चलो छोड़ो, उसको इग्नोर करो। बाकी जो हम पढ़ चुके हैं इसको, इनको खुद से सॉल्व करना, भी बुक उठा के एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करो। अगर नहीं कोई बात समझ में आती तो वीडियोस को देखो, बार बार देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।